सब्सक्राइब करें आर्किटेक्ट स्कूल को, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज मैं ये बैटरी चार्जर बनाया है, 12 वोल्ट बैटरी चार्जर, जो कि ऑटो कट ऑफ सर्किट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बैटरी चार्ज होगा और बैटरी चार्ज होने पर ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, मतलब चार्ज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको बनाया है, और यहाँ पे जो सर्किट मैंने बनाया है, लगाया है, इसको मैंने पहले एक वीडियो में बना के दिखाया था। ठीक है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि इसका इस बोर्ड के बारे में आपको पता चले कि कैसे बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक 0.12-3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया है, और यहाँ पे इनपुट एसी देने के लिए सॉकेट लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है। ठीक है, उसके बाद इस सर्किट को कनेक्शन दिया है, यहाँ पे आउटपुट 12 वोल्ट निकलेगा चार्ज होने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए एक कोड हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना आउटपुट देगा इसके लिए, यहाँ पे मैंने डीसी 200 रेंज पे सेट किया है। अभी हम इसको एसी सप्लाई देंगे। ये देखिए ऑन हो गया, ग्रीन लाइट ऑन हो गया है, और यहाँ पे वोल्टेज देखिए 15 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, ताकि 12 वोल्ट का बैटरी वो आराम से चार्ज हो पाएगा। जैसे कि ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट बंद होके रेड लाइट ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर से दिखा रहा हूँ बोर्ड किसको कैसे बनाया है। लाइट को ऑफ करते हैं, खोल दिया, इसके पास चार्ज है, इसलिए वो LED जल रहा था। ये देखिए, इस सर्किट के बारे में अगर जानना है तो इसका डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा इस वीडियो के बारे में, जहाँ तक मैंने इस सर्किट को बनाया था। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।